हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे वुड वर्ड ग्राइप वाटर के बारे में, जो कि शिशुओं के लिए यूज़ की जाने वाली एक दवा है या लिक्विड है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। पहले इसकी पैकिंग देख लीजिए, पैकिंग बहुत बढ़िया है इसकी। और ये जो है 40 रुपये का मिलता है दोस्तों, और ये सभी दवा दुकान में आसानी से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में। जो दोस्तों शिशु है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों और परेशानियों को बड़ों की तरह बता नहीं सकते, इसलिए माता पिता और घर के अन्य सदस्य उनकी देखभाल सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर भी कई बार शिशु जो है कुछ शारीरिक कारणों से चिड़चिड़ाहट होकर रोने लगते हैं, ऐसे में उन्हें ग्राइप वाटर का यूज़ कराते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जान लेते हैं इसके बारे में। जो नवजात शिशु हैं दोस्तों, वो अपने किसी भी ज़रूरत के लिए रोना शुरू कर देते हैं, और माँ जब शिशु रोता है तो माँ रोते हुए शिशु को देखते पहचान जाती है कि उसको भूख लगी है या उसको सोना है। शिशु का रोना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सही तरह से खाने और पूरी नींद लेने के बाद भी आपके शिशु जो है का रोना एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों। लेकिन सही तरह से खाने और पूरी नींद लेने के बाद भी आपके शिशु का लगातार रोना चिंता का विषय हो सकता है। इस तरह का व्यवहार दोस्तों किसी अन्य तरह की परेशानी जैसे कोलिक या दांत में निकलने का भी संकेत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो इस तरह की समस्या है 3 सप्ताह से लेकर 3 माह तक के शिशु को हो सकती है। लेकिन जो माता पिता है शिशु के जो पेट में समस्या के कारण कोलिक और गैस को ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, शिशु की इस परेशानी के उपाय में जो माता पिता कई वर्षों से ग्राइप वाटर का प्रयोग करते आए हैं दोस्तों, लेकिन कई लोग यह मालूम नहीं होता है कई लोगों को कि ग्राइप वाटर क्या होता है और शिशुओं को इस्तेमाल से इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं ग्राइप वाटर क्या है। शिशुओं में जो है कोलिक लक्षण को दूर करने के लिए यानी दांत निकलने की समस्या को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और बाज़ार में कई तरह के प्रोडक्ट जो है कोलिक लक्षण दूर करने के लिए मिलते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें जो है मौजूदा सामग्री देखना ज़रूरी है कि वो कहीं उसमें अल्कोहल तो नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, यानी वो सुरक्षित होना चाहिए, जो भी आप मार्केट से लें वो सुरक्षित होना चाहिए और बच्चों को नुकसानदायक ना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसके फ़ायदे। ग्राइप वाटर के इस्तेमाल से कई फ़ायदे हैं दोस्तों। इसमें शिशुओं को कोलिक, पाचन संबंधी समस्या और हिचकी अगर आ रही हो तो उसको भी ठीक करने के लिए कारगर है दोस्तों। दांत निकलते समय जो शिशुओं को परेशानी होती है या दर्द होता है, जो शिशु रोते हैं, तो ये उसमें राहत दिलाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर पेट फूल रहा है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संबंधी समस्या है तो ग्राइप वाटर इसमें बहुत ही राहत दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं इसमें क्या क्या औषधियाँ हैं। इसमें दोस्तों मुलेठी, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बाम, अदरक, इलायची इत्यादि इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। हम जान लेते हैं पहले मुलेठी। मुलेठी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और इसमें जो है एंटीबायोटिक का गुण होता है। इसका उपयोग जो है मुख के रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेत्र रोग में, सांस विकार में और घाव को सुखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कैमोमाइल। यह शरीर को जो है पाचन क्षमता है जो उसको सुधारता है, जैसे दस्त कब्ज इसको ठीक करता है दोस्तों। अब जानते हैं सौंफ। जो दोस्तों सौंफ है वो विषैले तत्व को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है दोस्तों, अब लेमन बाम। दोस्तों लेमन बाम जो है एक तरह की औषधि है, जो कि अगर नींद नहीं आती बच्चों को तो नींद लाने के लिए मददगार है दोस्तों, और ये तनाव को भी कम करती है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको देना कब चाहिए। ग्राइप वाटर का मानना है, या ये ग्राइप वाटर कंपनी कहती है कि इसको 1 महीने से ऊपर के आयु के शिशु को देना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारा मानना है कि 6 महीने तक तो शिशु को माँ का दूध देना चाहिए, 6 महीने बाद इसको यूज़ करना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से यूज़ करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था वुड ग्राइप वाटर के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।